बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने प्रोटिस्टा के वो एनिमल्स जो प्लांट लाइक दिखते थे, जिनमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक थी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनको हम लोग एल्जे का नाम देते हैं। तो उन्हीं में से हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्रीन एल्जे के रिलेटेड, जिनका फाइलम है क्लोरोफाइटा। क्लियर? तो क्लोरोफाइटा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनका कॉमन नेम ग्रीन एल्जे है। कहा जाता है दे आर यूनिसेलुलर। मोस्टली देखा जाए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग क्लोरेला की पढ़ेंगे, ठीक है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ होते हैं जो क्लूनिस बना के रहते हैं, ठीक है, क्लूनिस जैसे वोल्वक्स है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो एक से ज्यादा जिनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ग्रीन एल्जीज होती हैं। क्लियर हो गया? तो कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ क्लूनिस बना के रहते हैं। कहते हैं मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्जी हैव फ्लैजेला। लोकोमोशन करने के लिए इनके पास फ्लैजेला होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऐसे पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं, उनका हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स का काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब किस पर्पज के लिए यहाँ पे कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, बी है एंड कैरोटीनॉइड्स है। इन एल्जे को हम लोग ग्रीन एल्जे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह ज्यादा होता है, ग्रीन कलर के ये ज्यादातर दिखते हैं। डायग्राम में भी आपको ये नजर आ रहा है, ये देखें ग्रीन पानी के ऊपर ये सारा जो लगा हुआ है ग्रीन कलर का। ये कॉमनली आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, पहाड़ों के ऊपर जो छोटी छोटी चट्टाने होती हैं पानी के करीब करीब, वहां पे भी ये होते हैं, ठीक है, वहां पे ग्रो किए होते हैं। ये ग्रीन एल्जे बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो फूड होता है इनके पास, इनकी बॉडी के अंदर जो स्टोर फूड होता है, किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज बताने लगे हैं प्लांट के साथ, ग्रीन एल्जे जोन से हैं, ये प्लांट के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। क्यों करते हैं? उसके रीजन बता रहे हैं। पहली बात हमने की है, इनके पास जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि प्लांट के अंदर भी स्टार्च फॉर्म में फूड स्टोर होता है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोर फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। क्लियर? प्लांट में और ग्रीन एल्जी में कॉमन पॉइंट क्या है कि फूड स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरी बात देखें कि इनकी जो सेल वॉल है इट कंटेन्स सेलुलोज, बिल्कुल वैसे जैसे प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, तो इनके पास में क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज एक्चुअली क्या है? इट इज अ हार्ड मटीरियल दैट मेक द सेल वॉल वेरी हार्ड एंड रिजिड। क्लियर? तो इनकी सेल वॉल में भी सेलुलोज है और प्लांट की सेल वॉल में भी सेलुलोज है। प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, इनके पास भी क्या है? क्लोरोफिल है। ये तो तीन चीजें इनमें कॉमन है, प्लांट की तरह की हैं। कहते बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी विद प्लांट, क्योंकि प्लांट के साथ ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हिसाब से देखें तो भी ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। सेल वॉल की लिहाज से देखें, सेल वॉल में कंपोजिशन की देखें कि इनके अंदर भी सेलुलोज है, उनके अंदर भी, और स्टोर्ड फूड देखें, इनके अंदर भी स्टार्च है और उनके अंदर भी स्टार्च है। इन वजह से हम लोग कहते हैं ये प्लांट के बहुत ज्यादा करीब है। इट जनरली कंसीडर्ड दैट प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जे। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो प्लांट है आज के, उनका एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, वो कहाँ से आए हैं? दे कम फ्रॉम द ग्रीन एल्जे। ग्रीन एल्जे क्या है? इनके एंसेस्टर्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रीन एल्जे आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के ये एंसेस्टर्स हैं। कौन? ग्रीन एल्जे। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ग्रीन एल्जे का एंसेस्टर, सॉरी प्लांट जोन से हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन से हैं? दे आर द ग्रीन एल्जे। क्लियर हो गया? उसके बाद जब आरएनए सिक्वेंसिंग की गई, जब इनके आरएनए को और प्लांट के जो बॉडी है उनके आरएनए को देखा गया, उनके ऑर्डर देखे गए, उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस जब देखा गया, दैट इंडिकेट्स दैट ग्रीन एल्जे प्लांट फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लीनिएज। के ये जो प्लांट है और ग्रीन एल्जे, इनके जो अबाव अजदाद हैं वो एक ही हैं। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था,
ए, उससे आगे नेक्स्ट जो सी स्पीशीज बनी, ये एक ऑर्गेनिज्म था, एक ग्रुप था ऑर्गेनिजम्स का ए वाला, आगे इसमें जो ऑर्गेनिज्म बने वो ये वाले बन गए और ये वाले बन गए, ठीक है, मतलब ये बी, ये लगा ले ए ही है बिल्कुल इसी तरह के, लेकिन ये दूसरा जो ग्रुप है वो बी वाला बन गया। अब बी से फिर बने सी और डी बन गए, ठीक है, बी वाले को हम लोग समझ ले एलजे का नाम दे रहे, ग्रीन एलजे का, ठीक है, और सी वाले समझ ले हम लोग ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा ग्रीन प्लांट्स जो कहाँ से आए हैं, एलजे से, और एलजे का और फिर हम लोग ग्रीन प्लांट का कह सकते हैं, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, ए, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ये ए से ही इवॉल्व हुए हैं, क्लियर। तो मोनोफाइलेटिक लिनिएज के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एवोल्यूशन सेम जो है ग्रुप से हुई हो, सेम ऑर्गेनिज्म से हुई हो, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफाइलेटिक लिनिएज, मतलब जिनका अबाव अजदाद एक हो जिन ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम लोग कहते हैं दे फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लिनिएज। मोनो मतलब एक ही, जिनके अबाव अजदाद एक ही हो, कॉमन हो, उनको हम लोग कहते हैं दे शो मोनोफाइलेटिक लिनिएज। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एग्जाम्पल बताई गई है क्लोरेला, स्पायरोजायरा एंड अल्वा, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्जे, ये ग्रीन एल्जे की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखें क्लोरेला के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि ये जो उनसे हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास लोकोमोशन करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर एज सच नहीं है, और ये क्या करते हैं किसी भी चीज के साथ अटैच होके अपनी लाइफ जो सी है वो गुजार देते हैं, सिसाइल होते हैं बेसिकली, क्लियर। तो क्लोरेला क्या है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्जे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, हैबिटेट इनकी बात करें तो फ्रेश वाटर होते हैं, पाउंड्स या डिचिज वगैरह में ये रहते हैं, फ्रेश वाटर पाउंड्स या डिचिज। पाउंड्स आप लोगों को पता है तालाब को कहते हैं, ठीक है, ऐसा तालाब जहाँ पे फ्रेश वाटर हो, और डिचेस किसे कहते हैं, घड़ा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा घड़ा होता है उसमें पानी भर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे ग्रीन एल्जी ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है, वहां पे ये मोस्टली वहां पे रहते हैं। इट हैज बिन यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, कहते हैं क्लोरेला को हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर लैब के अंदर, लैब के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं रिसर्च पर्पज के लिए। वो रिसर्च हम लोग किस पे करते हैं, फोटोसेंसिस पे, के ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसेंसिस कैसे होती है, जब फोटोसेंसिस हो रही होती है तो क्या चेंज आता है क्या नहीं, ये सब चीजें रिसर्च करने के लिए हम लोग, इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्लोरेला को लेते हैं एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, दैट आर कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? तो क्लोरेला जो उनसे है उसको हम लोग एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपनी लैब के अंदर, टू किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की रिसर्च पर्पस के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें क्लोरेला की, कहते हैं इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, अल्टरनेट सोर्स ऑफ मतलब अगर कभी फूड की कमी हो जाए तो हम लोग इसको खा सकते हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए, ये एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज किया जा सकता है, इडेबल होता है, ये खाया भी जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दोबारा से देखें ग्रीन एल्जी के रिलेटेड, कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ क्लूनिस बना के रहते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, मोस्टली इन जो ग्रीन एल्जी है उनके पास फ्लेजेला होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, लेकिन कुछ है जिनके पास नहीं होते, जैसे क्लोरेला है जो यूनिसेलुलर है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो से हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। फूड जो से इनके अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि प्लांट के अंदर भी होता है। सेल वॉल जो है इनकी, इनके पास सेलुलोज होता है, जैसे कि प्लांट में है उनकी सेल वॉल में भी सेलुलोज पाया जाता है। कहते हैं चूंकि ये प्लांट के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्रीन एल्जी जो से ये प्लांट के एंसेस्टर्स हैं, कि प्लांट्स की एवोल्यूशन ग्रीन एल्जी से हुई है। उसके बाद जब आरएनए सीक्वेंसिंग भी देखेगी प्लांट की और ग्रीन एल्जी की, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम आई, तो हमने ये बता दिया कि इनका जो एंसेस्टर है, अबाउ अजदाद इन दोनों के, ये सेम होगा, कॉमन होगा।
एग्जाम्पल हमने क्लोरेला, स्पायरोजायरा और अल्बाका बताई है। क्लोरेला के आगे हमने बताया है कि ये यूनिसेलर होता है, नॉन मोटाइल होता है। हैबिटेट की बात की थी, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में और डिचेस में रहता है। और इट हैज़ बीन यूज्ड एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है लैब के अंदर, बेसिकली फॉर द फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस की रिसर्च करनी हो तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं लैब के अंदर। और इसके अलावा कहा जाता है इस ये अल्टरनेट सोर्स है फूड का, कि अगर फूड की कभी कमी हो जाए तो हम लोग इसको एज अ फूड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जे, कि एल्जे की इंपॉर्टेंस पहले तो हमने साथ साथ देखी, लेकिन अब कलेक्टिवली हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखने लगे हैं। सबसे पहली बात कि ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम के, ठीक है। कि अगर इक्वेटिक इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर्स ना होते तो जो बाकी लाइफ है इक्वेटिक की वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स इक्वेटिक में, तो वो इन पे फीड करते हैं, फिर उनको खाने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उनको कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर उनको कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है। इस तरह ये चेन से चलती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, पहली इंपॉर्टेंस इसकी होगी। दे प्ले अ बेसिक रोल इन फूड चेन, ये फूड चेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फूड चेन में मतलब फूड चेन किसे कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ने किसी को खाया, फिर उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ने खा लिया, फिर उसको किसी और ने, ये काम जो चेन की फॉर्म में चलता रहता है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने खाना, दूसरे को तीसरे ने, इसका जो काम चलता रहता है एक ऑर्गेनिज्म को खाने का फिर दूसरे को खाने का, ये जो है डेट इज फूड चेन। कहते हैं चूंकि फूड चेन जो सी है ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है, एल्जे वगैरह से स्टार्ट होती है, तो इनका इनके अंदर रोल बहुत ज्यादा होता है। और जब फूड चेन मतलब फोटोसेंसिस में भी इनका बहुत ज्यादा रोल, एक तरफ फूड चेन में मदद देते हैं, दूसरी तरफ देखे तो ये अक्वेटिक एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड बात करें तो ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, क्योंकि फोटोसेंसिस करते हैं ना, उसके रिजल्ट में फूड भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है, तो ये फूड भी सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड देखिए इसका जो इम्पोर्टेंस है कि ये ईडेबल होते हैं, एल्जी जो सी ईडेबल होते हैं, इनको खाया भी जाता है। तो सम एल्जी सच एज स्कैल्ब्स आर सोर्स ऑफ फूड, इनको खाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस होगी। उसके अलावा देखें मैनी केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फॉर मैरीन एल्जे लाइक, कि जो मैरीन में एल्जे वगैरह ग्रो करती हैं उनसे हम लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस बना सकते हैं, जैसे एल्गन है, एल्जन है, एगर है, कैराजिनिन है और एंटीसेप्टिक्स है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम लोग कुछ को लैब के अंदर यूज करते हैं, कुछ की ग्लू नेचर होती है, कुछ को एंटीसेप्टिक के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। ये चीजें हम लोग ग्रीन एल्जे सॉरी मैरीन एल्जे से हासिल करते हैं, क्लियर। तो ये इसके तीन चार पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस में, ये आपसे सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्लियर स्टूडेंट। जो ग्रीन एल्जी है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, उसके बाद डाई एटम्स है, ये जो हमने पीछे दो तीन टॉपिक्स पढ़े हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड ग्रुप है जो हमने प्रोटिस्टा का जो कहा था, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इस चैप्टर में बेसिकली हमने इस चैप्टर को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना, कुछ जो प्रोटिस्ट थे वो एनिमल लाइक थे, जिनको हम लोगों ने प्रोटोजोन्स का नाम दिया था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है लास्ट बहुत चैप्टर्स लेक्चर्स पहले की बात है। उसके बाद हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट डिस्कस किए थे, जिनको हमने एल्जे का नाम दिया था। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट है जिनकी करेक्टरिस्टिक फंजाई के साथ रिजेंबल करती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कहते हैं सिमिलैरिटी सबसे पहले देखें कि इनकी जो सी है वो फंगस के साथ, फंजाई जो सी होती है उनके साथ इनकी सिमिलैरिटी क्यों शो होती है, क्यों ये फंजाई की तरह के दिखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक होती है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, बिल्कुल इसी तरह जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है वो भी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दोनों ही क्या है हेटरोट्रॉफिक है, पहली कॉमन करेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखिए फंगस की जो बॉडी होती है इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो फंजाई की बॉडी देखे तो उसमें इस तरह के बहुत सारे हमें धागे से नजर आते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहा जाता है, इनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होगा, डाटा कार्ड द हाइफी, यहाँ पे आप लोगों को ये जो नजर आ रहा है दिस इज द हाइफी। अब हाइफी दो टाइप की होती हैं, कुछ में आप लोगों को नजर आई ये वॉल्स,
ये देखिए, ये एक हाइफी जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है। अब ये एक थ्रेड है, इसके अंदर हमें वॉल्स नजर आती हैं, सेप्टा मतलब सेपरेट है ये एक दूसरे से। ये देखिए, एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो ये इसमें सेपरेशन हुई है। तो ऐसी हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं उनको सेप्टेट हाइफी का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। जबकि ऐसी हाइफी जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होते उनको ए सेप्टेट या को इनोसेंटिक हाइफी का नाम देते हैं, को इनोसाइटिक हाइफी का नाम देते हैं। क्लियर? ए सेप्टेट हाइफी भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि फंगस की बॉडी को देखें और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी को देखें तो उन दोनों में हाइफीज मौजूद होती हैं। ये दोनों जो हाइटरोट्रॉफिक और हाइफी जोन सी हैं, ये करेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो फंजाई के साथ रिजेंबल होती हैं प्रोटिस्ट की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब हमने इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट को फंजाई के किंगडम के अंदर क्यों नहीं रखा? चूंकि कुछ करेक्टरिस्टिक इसकी फंजाई के साथ रिजेंबल कर रही थी, लेकिन बाकी जो करेक्टरिस्टिक की थी वो इनके साथ रिजेंबल नहीं करती थी, इसलिए हमने इसको फंजाई के किंगडम में नहीं रखा। अब वो कौन सी करेक्टरिस्टिक थी जो फंजाई के साथ मैच नहीं थी हो रही? सबसे पहली बात के जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि जो फंजाई है उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। पहला डिफरेंस। सेकंड पे देखें, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, जबकि हमने पढ़ा हुआ है फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन होता है। ठीक है, इन दो डिफरेंस की वजह से जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट थे वो किंगडम फंजाई के अंदर नहीं रखेंगे। क्लियर? तो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज आपसे एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। स्टूडेंट, ये आपको बताएगी है कुछ करेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखें कि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। मेजर इसके दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप है स्लाइम मोल्ड और दूसरा ग्रुप है इसका वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का दूसरा नाम है मैक्सोमाइकोटा। माइकोटा जो वर्ड है हम लोग फंजाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये फंजाई लाइक है इसलिए इसको हम लोग मैक्सोमाइकोटा का नाम दे रहे हैं, जबकि वाटर मोल्ड को हम लोग ओ माइकोट्स का नाम देते हैं। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड की बात कर लें या मैक्सोमाइकोटा की बात करें, कहते हैं दे पास्ट थ्रू टू स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। कहते हैं ये अपनी लाइफ में दो स्टेजेस से गुजरते हैं। एक इनकी स्टेज होती है फीडिंग स्टेज, के एक स्टेज में ये फीडिंग करते हैं जबकि दूसरी स्टेज में ये रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। फीडिंग स्टेज एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। जो इनकी फीडिंग स्टेज होती है इसको हम लोग प्लास्मोडियम का नाम देते हैं। फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लास्मोडियम। यहाँ पे देखिए ये आपको चीज नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली प्लास्मोडियम। कहते प्लास्मोडियम इज अ मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। कि अगर हम लोग ये देखें, ये एक हाइफी लगा लें या एक प्लास्मोडियम की स्ट्रक्चर लगा लें, इसके अंदर हमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ नजर आता है, ठीक है, मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं। ये देखें, प्लास्मोडियम एक्चुअली क्या है? मैस ऑफ साइटोम, साइटोप्लाज्म का मैस है जिसके अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। डेट कैन ग्रो, जो ग्रो करता है अप टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर के लिहाज से देखें तो ये 30 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। क्लियर? तो प्लास्मोडियम एक्चुअली क्या है? फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड है। मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है जो ग्रो करता है 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। क्लियर? आपने प्लास्मोडियम पीछे भी डिस्कस किया था लेकिन वो डिफरेंट है इस प्लास्मोडियम से। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब कहा जाता है जो प्लास्मोडियम है सम टाइम्स ये चैनल्स बनाता है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, एक जाला सा बनाता है ट्यूब्स का, डेट कवर अ लार्ज सरफेस एरिया, जो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया को घेर लेता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये चैनल्स बने हुए हैं, ट्यूब्स बनी हुई हैं,
और ये बहुत ज्यादा हर जगह पे बिखरी हुई है, इसने ज्यादा सरफेस एरिया को कवर किया हुआ है यहाँ पे, जबकि इसने थोड़ा सा सरफेस एरिया कवर किया हुआ है दोनों प्लास्मोडियम, ठीक है। कहते प्लास्मोडियम इज स्लिमी इन अपेयरेंस, जो प्लास्मोडियम होता है उसकी अपेयरेंस देखो तो स्लाइमी होती है, मतलब थोड़ी सी लिक्विड चिपकने वाली होती है। दैट क्रीप ओवर डैम्प डिकेइंग लॉग एंड लीफ लिटर, कहते हैं ये जो स्लाइम मोल्ड है सॉरी प्लास्मोडियम है, ये जू जू आगे की तरफ मूव करता है, क्रीप करता है, रिंगता जाता है, तो किसके ऊपर रिंगता है ये डैम्प कहते हैं नमी वाली जगह पे, डिकेइंग लॉग, लॉग कहते हैं दरख्त का तना जो डिकेइंग मतलब टूटा फूटा जो उनसे गिर गया है, जैसे ये स्टेम है प्लांट का, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से कट कर लो या इसी स्टेम की बात कर लो, ये गिर जाता है नीचे और आहिस्ता आहिस्ता ये डिके होना शुरू हो जाता है, तो इनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। एंड लीफ लिटर पत्तों वगैरह के जो कचरा होता है उसके ऊपर भी ये ग्रो करते जाते हैं, क्रीप करते जाते हैं, ड्यू टू इट्स स्लीमी अपेयरेंस, स्लाइमी अपेयरेंस की वजह से ये जो सा है ये ग्रो करता जाता है आगे की तरफ, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसका हैबिटेट भी बता दिया कि ये किस किस जगह पे ग्रो करता है, डैम्प एरिया में, डिकेइंग लॉग पे और लीफ लिटर वगैरह पे। कहता है जो जो ये आगे की तरफ मूव करता है, क्रीप करता है, इट इंजेस्ट, तो ये खाता जाता है अपने साथ लेता जाता है किस किस को, बैक्टीरिया को, यीस्ट को, स्पोर्स को एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और जो गला सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी उसको भी ये इंजेस्ट करता जाता है, इनके ऊपर भी ये फीड करता है। तो फीडिंग आप लोग कह सकते हो ये किस किस पे करता है, बैक्टीरिया पे, यीस्ट पे, स्पोर्स पे और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पे। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द फीडिंग स्टेज। नेक्स्ट देखें, दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज देखें, कहते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस इनके हिसाब की नहीं होती, ये समझते हैं कि अगर हम लोगों ने इस टाइम ग्रो किया तो हमें क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकती है ग्रो करने में, तो ये क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन सही नहीं होती, स्लाइम मोल्ड फॉर्म स्टॉक्ड स्पोरंजिया इन विच हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म बाय म्यूसिस। ये क्या करते हैं अपने प्लास्मोडियम के ऊपर, जैसे ये था प्लास्मोडियम उसके ऊपर ये स्टाक सी बनाते हैं, स्टाक कहते हैं डंडी, शाक शाक सी बनाते हैं और उसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर सी बना लेते हैं, सॉरी ये इस तरह है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया और इस स्टाक को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर इस स्टाक को कहते हैं, जबकि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी है डेट इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बना देते हैं और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड से मुराद इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और ये बनते का कैसे हैं बाय मियोसिस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मियोसिस के रिजल्ट में हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो कहते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये स्टाक बनाते हैं और स्पोरेंजिया बना देते हैं उसके ऊपर, इनके ऊपर फिर इनके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं बाय मियोसिस, मियोसिस के जरिए। जो ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, जब इनके हिसाब से बाहर का एनवायरमेंट हो जाता है, तो ये जो स्पोरेंजिया ये फट जाते हैं और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और स्पोर्स क्या करना शुरू कर देते हैं, जर्मिनेट, और जर्मिनेट करते हैं, जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो ये स्पेशल टाइप के सेल्स बना देते हैं, दैट आर कॉल्ड द बाइफ्लैजेलेटेड स्वाम सेल्स आर अमीबॉइड सेल्स, ठीक है, कि मतलब ये सेल बनाएंगे, स्पोर सेल्स बना देते हैं जो बाइफ्लैजेलेटेड होंगे, मतलब इनके साइड पे फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं, तो इनको स्वाम सेल्स कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं, मतलब अमीबा लाइक मूवमेंट शो करते हैं। फिर ये जो है ये अमीबॉइड सेल या स्वाम सेल जोन से हैं, जो ये मिलते जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर मिलने के बाद यूनिट करने के बाद क्या कर देते हैं, जायगोट बना देते हैं। क्लियर, स्वाम सेल बनाएंगे या अमीबॉइड सेल बनाएंगे, फिर ये अमीबॉइड या स्वाम सेल मिलेंगे तो जायगोट बना देते हैं, जायगोट प्रोड्यूस मल्टी न्यूक्लियेट प्लाज्मोडियम, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इन दोनों के मिलने से जायगोट बनेगा ये वाला, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाएगा और ये फिर फीडिंग स्टेज में चेंज हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मा मल्टी न्यूक्लियेट प्लाज्मोडियम में ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है। क्लियर, तो क्या हुआ था, अनफेवरेबल कंडीशन में इन्होंने स्टाक बनाई, स्टाक के ऊपर इन्होंने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाई जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है, स्पोरेंजिया के अंदर इन्होंने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए मियोसिस के जरिए, जो ही कंडीशन फेवरेबल हुई इन्होंने
इनका ये जो स्पोरेंजिया थी, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर थी, ये फट जाती है और स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं और अमीबाइड सेल या स्वाम सेल्स बना देते हैं। फिर ये अमीबाइड या स्वाम सेल्स मिलते हैं और इनके मिलने से जाइगोट बन जाता है, जाइगोट भी ग्रो करता है और आहिस्ता आहिस्ता फीडिंग स्टेज जो कि प्लास्मोडियम है उसमें ये चेंज हो जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल में देखें, फाइसेरम पॉलीसिफेलम, ये इसकी एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड की। इट इज अ, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, इट इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, कहते हैं इसको हम लोग एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं इन द स्टडी ऑफ मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी के लिए एज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं कि जब जाइगोट बन जाता है उसमें बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है कि ये सेल ने ये पार्ट बनाना है बॉडी का, ये सेल ने ये पार्ट स्टमिक बनाना है, हार्ट बनाना है, ये उनके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो कहते हैं चूंकि ये बड़े आसानी के साथ ये स्टेजेस इनके अंदर देखी जाती हैं, इसलिए हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, के साइटोप्लाज्म कैसे मूव करता है इनके अंदर, वो भी इनके अंदर बड़ी आसानी के साथ देखा जा सकता है। उसके अलावा देखें फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, के साइटोस्केलेटन का काम क्या है, जो हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, कि बेसिकली ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में मदद करते हैं, ये सारा कुछ। तो कहते हैं ये चीजें इन ऑर्गेनिज्म के अंदर बड़ी आसानी के साथ देखी जाती हैं, इसलिए हम लोग इन ऑर्गेनिज्म को लेते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए, इन चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग इस ऑर्गेनिज्म को, फाइसेरम पॉलीसिफेलम को चूज करते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका हमने बताया हुआ है, ये थे फीडिंग स्टेज, जो ही अनफेवरेबल कंडीशन आई इन्होंने क्या बनाया, स्पोरेंजियम बना दिया, स्पोरेंजिया जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, ये भरा स्पोरेंजिया बताया है, यही वाली स्ट्रक्चर जोन सी थी, इसको भरा करके यहाँ पे दिखा दिया है स्पोरेंजिया, और इसकी ये स्टॉक डंडी सी जो है, इसके अंदर म्यूसिस के रिजल्ट के तौर पे क्या बने हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं, फिर ये फटती है, इसके अंदर से ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, फिर ये स्पोर्स जोन से हैं जर्मिनेट करते हैं तो अमीबाइड सेल बना देते हैं या फ्लैजिलेटेड सेल बनाते हैं। अमीबाइड सेल मतलब इनके पास अमीबा नहीं होगा, सॉरी फ्लैजिला नहीं होगा, ये अमीबा की तरह सुडोपोडिया बना के मूव करते हैं। उसके बाद या फिर ये फ्लैजिलेटेड सेल बना देंगे, मतलब फ्लैजिला के जरिए जो मूव करते हैं, दो टाइप के सेल बन जाते हैं। अमीबाइड सेल को स्वाम सेल भी कहा जाता है, ठीक है, और फ्लैजिलेटेड या अमीबाइड सेल, अमीबाइड सेल ही है, फ्लैजिलेटेड सेल को हम लोग स्वाम सेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के सेल्स बनते हैं। फिर क्या होता है, ये फ्लैजिलेटेड सेल दोनों मिलेंगे या फिर अमीबाइड सेल ये मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में माइटोसिस होती है, फिर वो नंबर इंक्रीज करता है अपना, ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो फीडिंग स्टेज में दोबारा से चेंज हो जाते हैं, इसी तरह फिर ये साइकिल चलता रहता है। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह इनके अंदर होता है प्रोसेस। नेक्स्ट देखें, वाटर मोल्ड आर ओमाइसीड, वाटर मोल्ड और ओमाइसीड देखें, कहते हैं दे शो क्लोज रिलेशन विद द फंजाई। स्लाइम मोल्ड की निस्बत ओमाइसीड जो वाटर मोल्ड है ये ज्यादा रिलेटेड, ये ज्यादा क्लोज दिखते हैं किनके, फंजाई के, ठीक है। एमसीक्यूज पूछा जाता है स्लाइम मोल्ड ज्यादा क्लोज रिलेशन बनाता है फंजाई के साथ या वाटर मोल्ड, ठीक है। तो आप लोग इसको क्लिक करोगे वाटर मोल्ड को, बट दे आर रिगार्डेड एज मोर एंशियंट ग्रुप, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है बहुत पुराना ग्रुप है, ठीक है, एंशियंट ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है। देयर सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, अब चूंकि ये प्लांट फंजाई की तरह है लेकिन एग्जैक्ट फंजाई नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके पास सेलुलोज है ना कि काइटन, इनकी सेल वॉल में काइटन नहीं होता, सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में काइटन होता है। देयर हाइफी आर एसेप्टेट्स, इनके हाइफी क्या होते हैं, एसेप्टेट, जैसे मतलब हमने बात की है कि इनके हाइफी में सेप्टा नहीं होता, क्रॉस वॉल्स नहीं होती, सो डैट देयर हाइफी आर एसेप्टेट आर कोइनोसिटिक हाइफीज, ठीक है, जबकि हमने मोस्टली फंजाई के अंदर डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर सेप्टेट हाइफीज होते हैं। एग्जाम्पल देखें, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये एक ऑर्गेनिज्म है वाटर मोल्ड का, जो इसकी वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल्स में आ रहा है। कहते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस वाज द कॉज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमिन, इनकी बात करें तो इनको हिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिज्म को बड़ा याद रखा जाता है
फाइटोफ्थोरा को, क्यों? क्योंकि इन्होंने पास्ट में कहीं इनकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, बहुत सारा लोग इनकी वजह से मरे थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आयरिश के पीपल थे वहां पे, जो लोग ग्रो करवाते थे पोटैटो, ठीक है, आयरिश के रहने वाले जो लोग थे वो पोटैटो को बड़े शौक से खाते थे, उनके लिए बहुत पसंदीदा गजा थी पोटैटो। लेकिन इन एनिमल्स की वजह से, पथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से पोटैटो की कमी हो गई थी आयरलैंड के अंदर, ठीक है? आयरलैंड के अंदर पोटैटो की फैमिन कहते हैं कहत पड़ जाना, पोटैटो आलुओं की कमी हो गई थी जिसकी वजह से लोग भूखे रहना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है? इसलिए इनको बड़ा याद रखा जाता है। इसको कहते हैं 19th सेंचुरी की ये बात है कि इन्होंने पोटैटो के अंदर पोटैटो को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। इन्होंने पोटैटोस के अंदर डिजीज काज की थी जिसका नाम क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस, ठीक है? लेट ब्लाइट पोटैटोस, पोटैटोस के अंदर डिजीज काज की थी, और ये डिजीज किसकी वजह से हुई थी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से, ठीक है? तो आप लोग ये कह सकते हो कि पोटैटो के अंदर बीमारी लगी थी इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और जिसकी वजह से पोटैटोस क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। इन आयरलैंड, आयरलैंड के अंदर 1840s की बात है ये, द वाटर मोड मल्टीप्लाइड रैपिडली, के बाद क्या हुआ था कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी गर्मियों के सीजन में भी, गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी थी और बहुत ज्यादा नमी हो गई थी, ठीक है? उस नमी की वजह से क्या हुआ, ये वाटर मोल्ड जोन्स है वहां पे बड़ी तेजी के साथ ग्रो करना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो पोटैटो के जो फील्ड्स थे उनको इसने खराब कर दिया। आपको पता है पोटैटो का जो प्लांट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो पोटैटोज हैं वो इनके नीचे की तरफ लगते हैं, जमीन के अंदर, ठीक है? ये देखें, ट्यूबर्स, रूट ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स यहाँ पे जो हैं। तो कहते हैं इनकी वजह से ये जो पोटैटोज थे ये फील्ड के अंदर ही खराब हो गए थे। रोट कहते हैं खराब हो जाना, ठीक है? छिलका इनका ठीक था लेकिन अंदर से जो पोटैटो था वो खराब हो गया, तो खाने के काबिल नहीं था, रह गया, ठीक है? काज दी पोटैटोज, पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट इन द फील्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोटैटोज फील्ड के अंदर ही खराब हो गए। पोटैटोज वर द मेन क्रॉप ऑफ आयरिश पीपल, मेन क्रॉप मतलब स्टेपल फूड था वहां के लोगों का, पसंदीदा फूड था। लेकिन पोटैटोज के खराब होने की वजह से क्या हुआ, लोग भूखे रहना शुरू हो गए, स्टार्व करना, भूखे रहना, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्या होगी, डेथ होगी। ऑलमोस्ट कहा जाता है 250,000, मोर देन मिलियन, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो थे इसकी वजह से मर गए थे, क्योंकि उनको पोटैटो नहीं था मिला और पोटैटो के खराब होने की वजह से उनको फूड जो सा उनको नहीं था मिल रहा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ हो गई थी। कहते हैं बहुत सारे लोग जो उनसे हैं माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज, उस आयरिश को छोड़ के, उसको छोड़ के किसी और कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर गए थे, माइग्रेट कर गए, माइग्रेट करना हिजरत कर जाना, वो वहां चले गए थे, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मूव कर गए थे। आज भी आप लोग अगर देखो यूनाइटेड स्टेट में तो ज्यादातर आपको आयरिश पीपल मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां से तब माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मूव कर गए थे। तो ये था हमारा वाटर मोल्ड के रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटर मोल्ड के बारे में लिखें कि इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के अंदर क्या है, ठीक है? तो ये क्यों ज्यादा इतने ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 19th सेंचुरी की बात है, 1840s में इन्होंने आयरिश में क्या किया था, पोटैटो की फेमिन मतलब वहां पे पोटैटो का कहत पड़ गया था इनकी वजह से, क्यों? क्योंकि इन्होंने पोटैटो को खराब कर दिया था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी उनके भूखे रहने की वजह से। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुई थी, किस में, कहाँ पे हुई थी और कितने लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग कहाँ, किन कंट्रीज की तरफ माइग्रेट कर गए थे। क्लियर हो गया? तो ये है आज का हमारा लेक्चर जो कम्प्लीट हो गया स्टूडेंट। आई होप सो आप लोगों ने इसको बड़े आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़। और ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।